शब्द पढ़ेंगे। ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, का मतलब कौन, नास्ति मतलब नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग हैं। ना मतलब नहीं, जहाँ सिर्फ नहीं आएगा वहाँ ना लगेगा। अब नहीं है, जैसे मेरे पास पेन नहीं है, पिक तो नास्ति, और ना लगेगा सिर्फ जहाँ पे नहीं बोलेंगे, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं, तो इसलिए ना आएगा। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे वाक्य में, ये देखिए। अहम ना गच्छामी, अभी आपको पता है अब तक के दो पाठों से कि गच्छामी जब मी आता है तो अहम के साथ आता है, अगर पढ़ने के लिए होता तो पठामी होता है, ठीक है। मैं नहीं जाता हूँ, तुम ना गच्छसी, तुम ना नहीं, गच्छसी मतलब जाते हो, तुम के साथ गच्छसी आता है, ना मतलब नहीं, तुम नहीं जाते हो। अब यहाँ पे तू लगा है, तू नहीं जाता है, इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होना कि यहाँ पे क्यों लगा है। ये इसलिए लगा है ताकि अहम, तुम, सा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जैसे लगे। जैसे वाक्य देखिए, मैं नहीं जाता हूँ, तू नहीं जाता है, वह नहीं जाता, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको तुम करके बोलते, जैसे अभी मैंने पढ़ाया तुम नहीं जाते हो, तो यहाँ पे जाता है कि जगह जाते हो होता, ठीक है, तो फिर वो अलग साउंड करता। तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो समझने में कि इन सब का अर्थ एक ही है, जाता है जाता है, ये एक ही है, इसलिए यहाँ पे तू का प्रयोग करा गया है। अब अगर हम तुम लगाते तो तुम के साथ जाता है नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते कि तुम नहीं जाता है, ये गलत होता, तो इसलिए लगाया है। आप चाहे इसको तुम भी बोल के पढ़ सकते, अगर तुम बोल के पढ़ेंगे तो तुम नहीं जाते हो, तू करके पढ़ेंगे तो तू नहीं जाता है। सा ना गच्छति, वह नहीं जाता है। अहम तत्र ना गच्छामि, अहम मतलब मैं, तत्र मतलब वहाँ, ना मतलब नहीं, गच्छामि जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, त्वम तुम सर्वत्र सब जगह, ना मतलब नहीं, गच्छसि मतलब जाते हो, तू सब स्थान पर नहीं जाता है या तुम सब स्थान पर नहीं जाते हो। किम सा ना गच्छति, किम मतलब क्या, सा मतलब वह, ना मतलब नहीं, गच्छति जाता है, क्या वह नहीं जाता है। यत्र मतलब जहाँ, त्वम मतलब तुम, ना मतलब नहीं, गच्छसि मतलब जाते हो। यत्र जहाँ तुम नहीं जाते हो, जहाँ तुम नहीं जाते हो या जहाँ तू नहीं जाता है। तुम ना गच्छसि किम, तुम ना मतलब नहीं, गच्छसि मतलब जाते हो, किम मतलब क्या, तुम नहीं जाते हो क्या। अहम सर्वत्र ना गच्छामि, अहम मतलब मैं, सर्वत्र सब जगह, ना मतलब नहीं, गच्छामि जाता हूँ, मैं सब जगह या मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूँ। अब हमने यहाँ पे ना का प्रयोग किया, अस्ति हमें पता था, ठीक है, और नास्ति भी हमें पता लग गया कैसे बोलना है। अब पढ़ेंगे हम का वाले, का मतलब कौन, तत्र मतलब वहाँ, गच्छति मतलब जाता है, कौन वहाँ जाता है, का मतलब कौन, सर्वत्र सब जगह, गच्छति जाता है, कौन सब जगह जाता है। तत्र का ना गच्छति, तत्र मतलब वहाँ, का मतलब कौन, ना मतलब नहीं, गच्छति जाता है, वहाँ कौन नहीं जाता है। का कौन सर्वत्र सब जगह, ना मतलब नहीं, गच्छति जाता है, कौन सब स्थान पर नहीं जाता है। का मतलब कौन, तत्र मतलब वहाँ, अस्ति है, वहाँ कौन है, मतलब सॉरी, कौन वहाँ है। तत्र का अस्ति, तत्र मतलब वहाँ, का कौन, अस्ति है, वहाँ कौन है। अस्ति का तत्र, अस्ति मतलब है, का मतलब कौन, तत्र मतलब वहाँ, कौन है, कौन वहाँ है, अस्ति पहले है, का कौन, तत्र मतलब वहाँ, है कौन वहाँ।